इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल, श्रीमती कमला देवी, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती वर्षा जैन। प्रसिद्धि तुभ्यम फर्म प्रज्ञा फिलिंग स्टेशन रतनलाल मीठालाल नौगामा जिला बांसवाड़ा राजस्थान। हम तो अल्पज्ञ हैं और हम अपने गुरु के चरणों की रज हैं, बस इतना ही अपने आप को मानते हैं और कुछ फिर भी आप लोग सुनने को बैठे हैं, सुनना चाहते हैं तो अच्छी तरह से थोड़ा सा और सुन लो, क्योंकि यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से हमें मिला है। आगम में कहा है कि एक निगोदिया शरीर के अंदर कितने जीव होते हैं, तो जितने सिद्धालय में सिद्ध परमेष्टि विद्यमान हैं उनसे भी अनंत गुणे जीव एक निगोदिया शरीर के अंदर विद्यमान है। पूरा का पूरा ये लोक स्थावर जीवों से भरा पड़ा है, उसमें त्रिस्पर्याय प्राप्त होना कितना दुर्लभ है। एक बहुत बड़ा बालू का समुद्र है और उसमें किसी की एक हीरे की कड़ी का गुम हो गई है, उस हीरे की कड़ी का वह खोज रहा है छन्नी से छान छान करके। इतने बड़े बालू के समुद्र में अगर उसको मिल जाए तो कितनी दुर्लभ चीज है। ऐसे ही त्रिस्पर्याय, और त्रिस्पर्याय में दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री विकलत्रय की भरमार है, उनमें भी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त करना कितना कठिन है। तो कहते हैं जैसे गुणों में कृतज्ञता गुण बहुत दुर्लभ है। कृतज्ञता जानते हैं, किसी ने हमारे ऊपर थोड़ा सा भी उपकार किया है उस उपकार को कभी भूलना नहीं, ये बहुत दुर्लभ है। माता पिता अपनी संतान के ऊपर कितना बड़ा उपकार करते हैं, 9 माह तक वह माँ अपने पेट में बच्चे को बड़ी सावधानी के साथ रखती है। आपसे कह दे कि 1 किलो का एक वजन अपने पेट पर बांध करके आप 9 घंटे तक रहो, बोलो रह सकते हो क्या? वह माँ 9 माह तक उस संतान को रखती है, फिर जन्म दे करके कितने कष्टों के साथ फिर उसको पालन पोषण करती है। वह दुखी होता है तो माता पिता दुखी हो जाते हैं, बीमार होता है तो इलाज कराते हैं, रोता है तो रात भर जागते हैं। कितना उपकार नहीं है माता पिता का, लेकिन थोड़ी सी कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं और हमारे अनुकूल नहीं होते, हम माता पिता को छोड़ देते हैं, माता पिता से अपशब्द बोलने लग जाते हैं। कृतज्ञता गुण बहुत दुर्लभ है। उसी प्रकार से पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, और पंचेंद्रियों में भी भरमार है हाथी घोड़े ऊंट आदि आदि मछलियां त्रिंचों की भरमार है पंचेंद्रियों में।
उसमें भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। तो कहते हैं कि किसी की रत्नों की थैली चौराहे पर गिर जाती है, जो चौराहा एक मिनट के लिए भी खाली नहीं रहता, आना जाना बना रहता है। और ऐसे व्यक्ति की थैली गिर गई और बहुत एक दो चार किलोमीटर आगे चला गया, उसको पता चला कि मेरी थैली गिर गई, वापस घूमता हुआ आया, बोलो चौराहे पर मिलेगी क्या, और अगर मिल गई तो बहुत दुर्लभ है। ऐसे ही मनुष्य पर्याय भी दुर्लभ है, और एक बार यह मनुष्य पर्याय मिल करके खो गई तो कितना दुर्लभ है। तो कहा कि एक वृक्ष है, वह अपनी आयु पूर्ण कर दी है उस वृक्ष ने, और वह लकड़ी का सूखा हुआ टूट खड़ा हुआ है, और उसको जला दिया गया और उसके सारे कण-कण सर्वत्र बिखर गए। एक दिन वो सारे के सारे कण मिलकर के पुनः उस वृक्ष का रूप धारण कर ले, ये कितना दुर्लभ है। ऐसे ही पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त होना दुर्लभ है। और आचार्य भन कहते हैं कि इसमें भी उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम जाति आदि, निरोग शरीर, इंद्रियों की पूर्णता, ये और दुर्लभ हो जाता है। ये सब मिलने के बाद भी अगर उत्तम धर्म नहीं मिला, तो जैसे बहुत सुंदर शरीर मिला हुआ है, मुख भी बहुत सुंदर है, लेकिन दृष्टि नहीं है, वह वैसे ही हो जाता है। और इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अपने अंदर विवेक जगाना ये और ही दुर्लभ हो जाता है। विवेक के बारे में कल बताया था कि माता पिता अगर विवेकी हैं, ऐसी विवेकी माता पिता के यहाँ ऐसे ही उत्तम संतानों की प्राप्ति होती चली जाती है। और माता पिता विवेकी नहीं है तो संतान भी नहीं, लेकिन कोई कोई संतान ऐसे गुरुओं के सानिध्य में आ जाते हैं, उनके उपदेश आदि सुनते हैं और अपने अंदर भी वह विवेक जागृत कर लेते हैं और विवेक के साथ सारे कार्य करते हैं। जीवन जीने की कला क्या होना चाहिए, तो विवेक पूर्वक प्रत्येक क्रियाएं अगर आपकी हो रही है तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। विवेक के अंदर कहा गया कि क्या, कब, कहां, कैसे, कितना, क्यों खाएं, क्या जानते हो। एक क्रिया के बारे में थोड़ा सा विचार आप लोगों को करना है। सबसे पहले अगर आपको भूख लगी है और सामने भोजन रखा हुआ है और आपका प्रश्न चिन्ह अगर नहीं लगता और भूख मिटाने के लिए जो कुछ रखा है, चाहे भक्ष हो चाहे अभक्ष हो, खाने लग जाना ये विवेक नहीं है। लेकिन विवेकी पुरुष विचार करता है, भूख लगी है तो जो भक्ष है, खाने योग्य है, वही खाना, नहीं तो भूखे ही रह जाना। भूखे मर जाना भी अच्छा है, लेकिन अवक्ष खा करके बार बार दुर्गतियों में जा करके मरना अच्छा नहीं है। 22 प्रकार के अवक्ष जिनवाड़ी में लिखे हुए हैं, उन जिनवाड़ी के 22 आज तो 2200 प्रकार के अवक्ष हो गए हैं, कितना जिनवाड़ी में लिखे हैं।
मद मांस मधु आदि ये अवक्ष हैं। इनका संकल्प उच्च कुल में तो जीवन पर्यंत के लिए किया ही जाता है। जैसे ही 8 वर्ष के बालक बालिकाएं हो जाती हैं और संकल्पित गुरुओं के द्वारा हो जाते हैं कि अपने जीवन में मद मांस मधु का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन आज वर्तमान में ऐसी वस्तुएं आ रही हैं, मद मांस मधु का तो आपका त्याग है, लेकिन बाजार में बने हुए जो फास्ट फूड हैं उनमें ये सब मिलावट होकर के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनमें मिला रहता है। और बच्चे रोते हैं और आप पकड़ा देते हैं उनके लिए पैसे, और वो ही लेकर के वह आ जाते हैं और खाते हैं। आप देखें ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनमें पिग फैट रहता है। पिग फैट जानते हैं, माताएं बातें कर रही हैं, थक गई हैं थोड़ा सा और आप लोगों को सुनना है, क्योंकि आपके द्वारा अगर संस्कार स्वयं के और दूसरों के नहीं हुए तो जीवन यूं ही व्यर्थ में चला जाएगा। ऐसी वस्तुओं को नहीं खाना जिनमें ये चीजें डली हुई है। पिग छूने योग्य नहीं होता, अगर उसने आपको स्पर्श कर लिया तो स्नान करने की विधि बताई है, लेकिन ऐसी वस्तुएं आप मंगा करके स्वयं खा रहे हैं तो क्या आप विवेकी हैं? क्या खाना ये प्रश्न है। अच्छी ऐसी ऐसी वस्तुएं उनमें डाल दी जाती हैं, बहुत ही आपकी जिह्वा इंद्री का विषय बन जाती हैं, लेकिन ऐसी वस्तुएं खाने से हमारे लिए दुर्गति की प्राप्ति होती है, सदगति की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र भरे पड़े हुए हैं इन सब बातों के माध्यम से। तो जब भी भूख लगे, अगर ये प्रश्न लगा करके कि ये अवक्ष तो नहीं है, खाने योग्य है तो ही खाना, नहीं तो नहीं खाना। फिर कब खाना, दिन में खाना कि रात में खाना, बोलो। दिन में खाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है, वातावरण में जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे ही संध्या काल होता है शाम का और जीवों की उत्पत्ति होने लगती है और सूक्ष्म जीव आकर के उसमें गिरने लगते हैं। महाराज आज तो लाइट का जमाना है, सब कुछ दिखता है, उस लाइट में और जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, कम नहीं होती, वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। उसी रंग के सफेद सफेद सूक्ष्म उड़ने वाले जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। आचार्य उपन कहते हैं दिन में भोजन करना। आज आप लोग शादी विवाह करते हैं उसमें भी आपका महाभोज होता है, और अगर आपने रात्रि में अगर भोज दे दिया तो उसके पाप के बारे में सरस्वती भी कहने को तत्पर हो जाए तो कह नहीं सकती। आपको एक संक्षिप्त से कथा रखते हैं कि एक व्यक्ति ने रात्रि में भोजन बनाया और खाया, उसका परिणाम क्या हुआ, मर करके वह उल्लू बना। उस उल्लू ने भी अनेक जीवों का भक्षण किया और मर करके नरकों में चला गया। वहां से निकल करके आया कौआ बना, उस कौए ने भी ऐसे ही अवक्ष वस्तुओं का सेवन किया और मर करके नरक में चला गया। वहां से निकल करके आया बिलाव बना, उस बिलाव ने अनेक जीवों का भक्षण किया, नरक में चला गया। एक बार नरक में चले जाते हैं असंख्यात वर्षों की आयु प्राप्त होती है, वहां से निकलना सहज नहीं होता। ऐसे वहां के दुख होते हैं, वहां की गर्मी ऐसी पड़ती है कि लोहे का गोला पिघल जाता है, और शीत ऐसी पड़ती है पिघला हुआ गोला जम जाता है। भूख ऐसी लगती है कि सारे संसार के अनाज
उससे बने हुए भोजन को सेवन कर ले तो वह भूख मिटेगी नहीं। प्यास इतनी लगती है कि सागर का पानी भी पी जाए तो भी बुझने वाली नहीं, लेकिन खाने को एक दाना नहीं, पीने को पानी नहीं मिलता। वहां परमात एक बैतरणी नदी होती है। कहते हैं कि जो ऐसे रात में खाने वाले होते हैं, रात में पीने वाले होते हैं, और जो अनछने पानी का निरंतर उपयोग करते रहते हैं, नरकों में जाकर के बैतरणी नदी का पानी पीते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि दिन में भोज होना चाहिए, रात्रि में। फिर वह बिलाव भी मर करके नरकों में गया, वहां से निकल करके आया तो सामर नाम का एक जंगली जानवर हुआ। फिर वह मर करके नरक में चला गया, वहां से निकल करके आया तो वह गिद्ध बना, और गिद्ध ने भी ऐसे ही अवक्ष वस्तुओं का भक्षण किया, नरकों में चला गया। वहां से निकल करके आया तो फिर सामर नाम का एक और जानवर, फिर मर करके नरक में गया, वहां से निकल करके सूकर हुआ, सूकर मर करके फिर नरक में गया, वहां से निकल करके अजगर बना, और अजगर मर करके नरक में गया, और वहां से निकल करके आया तो वह गौ बना, गुहेरा बना, और गुहेरा मर करके फिर नरक में गया, और वहां से निकल करके महामच्छ बना, और महामच्छ मर करके फिर पुनः नरक में चला गया। एक रात्रि में भोजन करने का ये परिणाम है, जो दिन रात ना दिन देखते हैं ना रात, ना दिन में चैन है ना रात में चैन है, फिर भी हम कहते हैं, हमसे क्या कहते हैं, भैया हम चैन हैं, खाने को चैन नहीं, क्या होगा अपना भविष्य आप देख सकते हैं। संकल्पित होकर के जाओ तो वास्तव में ये जन्म कल्याणक आपका मनाना सार्थक हो जाएगा। और संकल्प लेके घाटोल में जब हम लोग थे और इस प्रकार का उपदेश दिया तो 36 गांव के लोगों ने आकर के मंच से स्वीकृति दी, महाराज दिन में शादी, दिन में ही भोज होगा, और ये अहिंसा का घोष हम आपके यहाँ से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतनलाल, श्रीमती कमला देवी, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती वर्षा जैन। प्रसिद्धि तुभ्यम फर्म प्रज्ञा फिलिंग स्टेशन रतनलाल मीठालाल नौगामा जिला बांसवाड़ा राजस्थान।